2023 का साल भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए रहा बेमिसाल। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। साल 2023 खत्म हो रहा है और चंद ही दिनों में 2024 की शुरुआत हो जाएगी। भारत में रक्षा क्षेत्र के नजरिए से देखें तो साल 2023 काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा। इस दौरान भारतीय सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी काम किया गया और हथियार निर्यातक के रूप में देश को कई अहम उपलब्धियां भी हासिल हुई। एक वक्त था जब भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों के रूप में होती थी, लेकिन मोदी सरकार की नीतिगत पहल से भारत अब हथियार आयातक से हथियार निर्यातक बन चुका है। साल 2023 में भारतीय हथियारों का रिकॉर्ड निर्यात 16,000 करोड़ के तक पहुंच गया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 3,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। अब से लगभग 10 साल पहले यानी 2013-14 में 686 करोड़ रुपये का आयात निर्यात किया गया था। इस तरह से देखें तो डिफेंस सेक्टर में निर्यात के मामले में हमारे देश ने 10 सालों में 23 गुना बढ़त की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दुनिया भर में भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल, तेज स्पेसक्राफ्ट, प्रेजेंट हेलीकॉप्टर आदि की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लगातार दुनिया भर के देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। और अब तो भारत की लगभग 100 कंपनियां 85 से ज़्यादा देशों में भारतीय रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रही हैं। इस साल भारत ने कई देशों के साथ सुरक्षा डील को मंजूरी भी दी है। भारत लगभग दर्जन भर देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर बात कर रहा है। इससे न केवल आर्थिक फायदा हो रहा है बल्कि दूसरे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी का वादा भी हो रहा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम को ब्रह्मोस की बिक्री से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नया बल मिला है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की दूसरी बड़ी कामयाबी है आत्मनिर्भरता। नवंबर 2023 में भारत सरकार की रक्षा खरीद परिषद ने 97 Mark 1A लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी थी। ये खरीदारी स्वदेशी कंपनियों से की जाएगी। इन सौदों की कीमत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा कुछ और रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी मिली है, जिनकी कुल कीमत मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए हो रही है। ये भारत की अभी तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील है, जो कि ये बताती है कि रक्षा उत्पादन में भारत अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। इसके पहले भी रक्षा खरीद परिषद ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। ये खरीदारी भी स्वदेशी हथियार निर्माताओं से की जाएगी। इसमें 12 Sukhoi 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद भी शामिल है। साल 2023 भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के नाम भी रहा। भारतीय सशस्त्र सेनाएं अब बेहद एडवांस हो चुकी हैं और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम हो गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए GSAT-7B नाम की एक एडवांस कम्युनिकेशन सेटेलाइट की अनुमति दे दी है। ये सेटेलाइट खुफिया संचार में सेना की मदद करेगा और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये का समझौता न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया है। नौसेना ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका शॉर्ट नेम है MRSAM, जो कि एक स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत के DRDO और इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। इसके अलावा मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-1 का भी सफल परीक्षण किया गया, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। ये बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। इसके अलावा पहली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल यानी NASM का भी सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को Seeking-42B हेलो हेलीकॉप्टर से दागा गया, जो कि बेहद सफल रहा। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर और गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 100% सफल रही है। इसके अलावा इस साल यानी 2023 के जनवरी महीने में ही भारतीय नौसेना ने कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी INS वगीर का जलावरण किया, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बी है। इसमें कई बड़ी मिसाइलें रखी जा सकती हैं और इसका रडार सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम में से एक है। और सबसे खास बात यह है कि इस वगीर को सबसे कम समय में तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल के तीसरे स्टिल्थ डिस्ट्रॉयड द क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12706 इम्फाल का नवंबर में अनावरण किया जा चुका है। ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइल को दागने में सक्षम है। पिछले साल यानी 2022 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को भी तैयार कर लिया था। तो साल 2023 में भारत में सभी अहम सैन्य उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने दूसरे देशों के साथ सैन्य अभ्यास करके अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत बनाने का काम किया है। इस साल भारत ने जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास किया। इसके अलावा थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ भी कई सैन्य अभ्यास हुए हैं। और इन सैन्य अभ्यासों के जरिए भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाते जा रहा है।
अब देखना यह है कि आने वाला साल यानी 2024 भारत के लिए क्या उपलब्धियां लेके आता है। 2023 में तो भारतीय सेना ने अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन की वजह से भारतीय सेना अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती जा रही है और उसकी ताकत पूरी दुनिया में, उस ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। जय हिंद, जय भारत।